हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस स्ट्रेट। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको और हमारे हर एक नोटिफिकेशन को आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग ऐसा इंजन के बारे से पढ़ेंगे। ऐसा इंजन क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। और स्पार्क इग्निशन इंजन के अंतर्गत कौन कौन से इंजन आते हैं? पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन आते हैं। ठीक, तो ऐसा इंजन के अंतर्गत पेट्रोल इंजन और गैसोलीन इंजन आते हैं। और ऐसा इंजन के अंतर्गत कौन आता है, मतलब कि ऐसा इंजन में ये दोनों कौन से इंजन होते हैं? दोनों आईसी इंजन होते हैं। आईसी इंजन बराबर क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन। क्या कहलाते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन कहलाते हैं। और आईसी इंजन में फ्यूल को जलाने के लिए, मतलब वहां पर हीट जनरेट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन में जनरली जो कंबसन रेशियो होता है वो सारी चीज को एक एक करके डिफाइन करते जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज और, पेट्रोल इंजन जो होता है वो किस पर वर्क करता है? ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। और ये ऑटो साइकिल क्या होता है? जिस पर एसआई इंजन या फिर पेट्रोल इंजन वर्क करते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑटो साइकिल। और ऑटो साइकिल के बारे में हम लोग काफी डिफाइन कर लेते हैं कि ऑटो साइकिल होता क्या है और उसका काम क्या है। तो यहां पर देखते हैं ऑटो साइकिल। चलिए ऑटो साइकिल के बारे से देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑटो साइकिल में भी चार प्रोसेस होंगे और इसका जो डायग्राम रहेगा ये क्या होगा? वॉल्यूम और प्रेशर के बीच खींची गई रेखा। तो एसआई इंजन में जो पेट्रोल इंजन होता है वो किस पर वर्क करता है? ऑटो साइकिल पर। और ऑटो साइकिल के कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या की जाती है? हीट एडिशन किया जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या किया जाता है? हीट एडिशन किया जाता है, मतलब कि इसका जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कार्य करता है। तो कोई भी साइकिल में, यहाँ पर जो ऑटो साइकिल देख रहे हैं इसके चार प्रोसेस होते हैं। एक होता है एडियाबेटिक कंप्रेशन, दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और तीसरा होता है एडियाबेटिक एक्सपांशन। और चौथा होता है फिर से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये जो पूरे चारों प्रोसेस हैं, ये पूरा एक कंप्लीट होने पर ऑटो साइकिल पर एक बार पावर जनरेट होता है और चारों प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो जो हम लोग ऑटो साइकिल देख रहे हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले भी मैं डायग्राम में आप लोग को समझाया था कि जब भी पिस्टन क्या करे, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर मूव करेगा, तो वो क्या, कौन सा प्रोसेस करता है? सक्शन प्रोसेस। और सक्शन प्रोसेस के दौरान क्या करेगा वो? एयर और फ्यूल को अंदर की ओर सक्शन करेगा, या फिर कंबसन चैम्बर में क्या करेगा उसको? सक्शन करेगा। ये कहलाता है पॉइंट वन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट वन बोला जाता है। और इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है ऑटो साइकिल का, फर्स्ट प्रोसेस कौन सा होता है? एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस।
तो आप जान ही रहे हो कि जब भी पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है तो एयर और फ्यूल को क्या करता है, वो कंप्रेस करता है। यहाँ पर एक चीज और याद रखना, जितनी दूरी तक वो सक्शन किया है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या कहलाता है, स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। अब जो प्रोसेस है एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, तो जब भी सक्शन के दौरान जो एयर और फ्यूल को खींचा है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या कहलाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। और स्वेप्ट वॉल्यूम को फिर से जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है तो वो क्या करता है, एयर और फ्यूल को कंप्रेस करता है। तो जैसे जैसे फ्यूल को कंप्रेस करेगा तो उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर क्या करता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, प्रेशर यहाँ से राइज कर रहे हैं और यहाँ से वॉल्यूम का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, सेकेंड है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कॉन्स्टेंट जो वॉल्यूम प्रोसेस है उसका मतलब क्या है कि इस पर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम जितना है अब उतना ही क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब ये लाइन क्या हो जाएगा, सीधी रेखा हो जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम है लेकिन इसका प्रेशर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पॉइंट टू हो गया और ये हो गया पॉइंट थ्री। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हीट को एड करते हैं, हीट एडिशन किया जाता है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस की जाती है, हीट एडिशन किया जाता है, मतलब यहाँ पर स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट कराया जाएगा और वहां से हीट की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, हीट एडिशन होता है, और ये कौन से प्रोसेस के दौरान होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान होगा। नेक्स्ट है एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस, जब भी गैस पूरा जल जाएगा तो वो क्या करता है, पूरे गैस एक्सपांड करता है। अब एक्सपांड करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा और उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर अधिक है तो कम रहता है, जैसे प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और इसका जो वॉल्यूम है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस है, यहां पर कौन से क्या चीज प्राप्ति होती है ऐसा इंजन में, एक्सपांशन प्रोसेस के दौरान यहां पर पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, पावर स्ट्रोक की प्राप्ति होती है। एडियाबेटिक एक्सपांशन के दौरान इंजन में कौन से शक्ति की प्राप्ति होती है, पावर स्ट्रोक की प्राप्ति होती है। चौथा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यहां पर फिर से एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लिया जाता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। यहां पर हम लोग हीट रिजेक्शन कर देते हैं, मतलब ये चौथा प्रोसेस होता है एग्जास्ट प्रोसेस, और एग्जास्ट प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हीट रिजेक्शन होता है। मतलब इंजन के अंदर हम लोग हीट कब ऐड किए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान, और हीट रिजेक्ट कब किए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान ही हीट को रिजेक्ट भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि हीट एडिशन कब की जाती है, हीट एडिशन किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान, और हीट रिजेक्शन कब की जाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम के दौरान ही क्या किया जाता है, हीट रिजेक्ट किया जाता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि पेट्रोल इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर वर्क करता है। नेक्स्ट है पावर की प्राप्ति, पिस्टन पर जो पावर मिलता है वो कौन से प्रोसेस के दौरान, पावर स्ट्रोक कब मिलेगा, एडियाबेटिक एक्सपांशन के दौरान। नेक्स्ट है जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें दो चीज पूछे जाते हैं, एक कंबसन रेशियो और दूसरा कहलाता है कंप्रेशन रेशियो। तो जो पेट्रोल इंजन का कंबसन रेशियो होता है वो लगभग रखा जाता है कंबसन रेशियो को 15:1, मतलब 15 भाग एयर का और 1 भाग
पेट्रोल का रहता है, ठीक है। कंबसन रेशियो क्या रहेगा, 15:1 रखा जाता है, और इसमें 15 भाग किसका रहेगा, एयर का रहेगा, और एक भाग किसका रहेगा, पेट्रोल का रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो होता है, कंप्रेशन रेशियो ये रखा जाता है 1:4 से 1:10 तक रखा जाता है। कंप्रेशन रेशियो का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा उस इंजन में क्या हो जाती है, पावर जनरेट होती है। नेक्स्ट है, पेट्रोल की जो इग्निशन क्वालिटी है, पेट्रोल की इग्निशन क्वालिटी वो ऑक्टेन नंबर से चेक किया जाता है या ऑक्टेन नंबर से दर्शाया जाता है। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, किसी भी पेट्रोल में किसका किसका मिश्रण रहेगा, ऑक्टेन नंबर जिसको जनरली बोला जाता है आइसो ऑक्टेन, एंड ये होता है ऑक्टेन और हेप्टेन का रेशियो होता है, ठीक है। यदि किसी पेट्रोल इंजन में बोला जाए कि उसके जो आइसो ऑक्टेन का मान 85% है, तो आइसो ऑक्टेन का नंबर सॉरी आइसो ऑक्टेन का मान यदि 85 है, तो उसमें क्या रहेगा, आइसो ऑक्टेन का जो वैल्यू रहेगा वो कितना परसेंट रहेगा, 85%, और बाकी जो शेष है वो हेप्टेन का वैल्यू रहेगा, मतलब कि 15% जो शेष बचा है वो किसका रहेगा, हेप्टेन का वैल्यू रहेगा। यहां पर नेक्स्ट देखते हैं, जनरली जो पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर का मान होता है वो कितना रखा जाता है, ऑक्टेन नंबर का मान 80 से 90 रखा जाता है। यहाँ पर जो पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर का मान होता है जनरली कितना होता है, 80 से 90 होता है, और पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है, पेट्रोल इंजन की अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो वो कितना रखा जाता है, 25% से 31% तक माना जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सीआई इंजन के लिए, ठीक है। सर यहां पर थोड़ा सा कैंसिल करना है एफिशिएंसी वाले को, एफिशिएंसी वाले को काट दीजिएगा सर, अभी जो बोला ना पेट्रोल की थर्मल एफिशिएंसी उसको काटना है, ठीक है। सीआई इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी है वो लगभग 25% से 31% तक होती है, 25% से 35% तक होता है। लेकिन एसआई इंजन के अंतर्गत तो दोनों आते हैं, गैसोलीन और पेट्रोल। तो यहां पर यदि पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल का जो थर्मल इफिशियंसी है वो लगभग 29% के बराबर होती है। मतलब पेट्रोल इंजन की जो थर्मल इफिशियंसी है वो कितना रखा जाता है, 29% होता है, ठीक। पेट्रोल में यदि हेप्टेन का मान बढ़ जाएगा तो डेटोनेशन बढ़ जाता है। डेटोनेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यदि आइसो ऑक्टेन की मान बढ़ जाए तो डेटोनेशन की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। पेट्रोल इंजन की अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो डीजल इंजन की अपेक्षा कम होती है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।